हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम के बारे में, जिसे लेकर एक काफी अच्छा रूमर निकल कर आया है। वेल, तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले फॉक्स स्टूडियो में नुहा होलिन ने डॉक्टर डूम की सोलो मूवी बनाने की कसम खाई थी, क्योंकि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और बीच में डिज्नी ने पूरी तरीके से फॉक्स कंपनी को बाय कर लिया, जिसके बाद इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को उठाकर ट्रैश में डाल दिया गया। लेकिन देखा जाए तो नुहा को ये लगता है उनका प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिसमें डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, जिसे लेकर उन्होंने एमसीयू के केविन फैगी से बात तक की है और अभी भी उनके बीच डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर डिस्कशन चल रहा है। और आप सभी को पता होगा कि नुहा होलिन ने लीजन का शो भी डायरेक्ट किया है, जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, और ऐसे में चांसेस ज्यादा है कि एमसीयू की तरफ से नुहा होलिन को चांस दे दिया जाए डॉक्टर डूम की सोलो मूवी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शो बनाने का, मिनी शो बनाने का, जिसे हम आने वाले डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस पर देख सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल तो रूमर यही निकल कर आए हैं और ऑब्वियसली इस रूमर को एमसीयू कॉस्मिक की तरफ से कंफर्म किया गया है कि उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम का एक पूरा का पूरा मिनी शो आएगा डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस पर, जिस वजह से हमें डॉक्टर डूम का कैरेक्टर काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फॉक्स के यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर मूवीज के टोटल 3 पार्ट बनाए गए हैं, जिनमें से 2 आपस में कनेक्टेड है और एक फैंटास्टिक फोर का रिबूट वर्जन है, और वो भी बहुत गंदा वाला, जिसमें डॉक्टर डूम के वर्जन को क्या बाकी सभी के सभी फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर के साथ में पूरी तरीके से नाइंसाफी की गई थी। लेकिन बात करें डायरेक्टर टिम स्टोरी की, तो उन्होंने फैंटास्टिक फोर के 2 पार्ट बनाए थे, जिन दोनों पार्ट में हमने डॉक्टर डूम को काफी ज्यादा पावरफुल देखा था, और इसी के चलते लोगों के दिमाग में डॉक्टर डूम का वही कैरेक्टर बैठा हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है डिज्नी प्लस पर एक मिनी शो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझा सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में डॉक्टर डूम कितना ज्यादा खतरनाक विलेन बन सकता है, वो भी फेस 4 का, अगर एमसीयू ऐसा चाहे तो ही। क्योंकि डॉक्टर डूम ने कॉमिक बुक में कितनी बड़ी बड़ी तबाहियां मचाई है, ये बात मुझे लगता है एमसीयू फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता है, और थैनोस के बाद डॉक्टर डूम जैसा विलेन फेस 4 को काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। तो अब आपकी क्या राय है डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हाँ, इस रूमर को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।